She pulled me along, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. 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 Hello, everyone. Date hai 30 December 2020. मैं हूं अर्गीज़ा की सड़कों पे, अपने होटल से बाहर निकला था एयरलाइन कराने के लिए, टिकट कराने के लिए, मेरी यहां से दुबई की फ़्लाइट कराने के लिए। पर यहां पे जो दुकानें हैं, ऑफिसेज हैं, शोरूम्स हैं, आमतौर पे 12 बजे से लेकर 2-3 बजे तक बंद रहते हैं, क्योंकि इनका प्रेयर का टाइम होता है। धूप भी होती है तो इतनी इनकी मार्केट भी ग्रो नहीं करी होती इस टाइम, और तो इसलिए आमतौर पर मुस्लिम कंट्रीज़ में आप देखोगे, और ख़ासकर सोमालीलैंड में और सोमालिया में, कि दुकानें जो भी होगी आपको दिन के टाइम बंद मिलेगी, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक यूजुअली बंद रहती है, कुछ 1 से 3 रहती है, कुछ 12 से 3, कुछ 12 से 4, तो ये डिपेंड करता है। ये जो ऑफिस था ये भी बंद था, ये खुलेगा शाम के 4 बजे एंड इट विल क्लोज एट 7 PM। आज मैं जू जाऊँगा और मैं दोबारा होटल जाऊँगा, फिर थोड़ी देर में दोबारा आऊँगा टिकट कराने। अभी एग्जैक्टली 4 बजे और मैं दोबारा इधर आऊँ डालो एयरलाइंस के ऑफिस में, और ये खुल चुका है लकीली। अभी जाके मैं यहाँ से अपनी टिकट कराऊंगा दुबई की। तो पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ डालो एयरलाइंस के ऑफिस में, और मेरे को टिकट करानी थी मेरी यहाँ से दुबई की, वो कराने में आया था संडे की, पर ये इशू ही नहीं कर रहे, बोल रहे कि आपके पास दुबई का वीज़ा ही नहीं है। मैंने इनको समझाया कि मेरे लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, मेरे पास US वीज़ा है 2025 तक का, तो मेरे को वीज़ा नहीं चाहिए। तो और मैं 10 दिन पहले, आप मेरी स्टैम्प्स देख लो, मैं दुबई में ही था, और मेरे लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। आप उनकी वेबसाइट पर चेक कर लो, कहीं भी चेक कर लो, और आप क्यों रोक, आगे इमिग्रेशन वाले रोकेंगे, एयरलाइन वाले एयरपोर्ट पे रोकेंगे, अभी आप तो टिकट बुक करो ना, मैं तो पैसे देने लग रहा हूँ। पर ये मान नहीं रहे, बोल रहे हम उस ऑफिस से पूछेंगे, हेड ऑफिस से पूछेंगे, 1.5 घंटा हो गया अभी तक टिकट इशू नहीं करी। मैं कह रहा हूँ मैं पैसे देने को तैयार हूँ, आप टिकट तो करो, अगर नुकसान होता है तो मेरा होगा, आपका थोड़ी होगा, फिर भी नहीं कर रहे, देखते क्या होगा। Here you go. This one's my local number and this is my Indian number. What's up on this number? I have WhatsApp on this number, but if you want to give me a call, you can call on this number, the local number. Yeah. तो भाई अभी ये बोल रहे 4:30 से ऊपर हो गए और हम अब टिकट इशू नहीं कर सकते, और आपको कल आना पड़ेगा, हम कल बताएंगे। How far is it from here? 30 seconds. तो अभी हम यहाँ पे जू पे जाने लग रहे हैं अर्गीज़ा में, वो सामने आ गया जू, और ये टूटी फूटी सड़कें थी, शहर से हल्का सा बाहर निकल के आइए, और ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और अंदर यहाँ पे शायद चीता वगैरह है, वो जाके हम देखेंगे जो जो जानवर हमें दिखते हैं, और आपको सोमाली लैंड का अर्गीज़ा का जू दिखाते हैं आज। पीछे यहाँ जू की एंट्रेंस में ये गार्ड वगैरह बैठे थे, और पीछे आप देख सकते हो काफी भीड़ सी हो रही है, तो ये कैमरा अलाउ नहीं कर रहे थे, पर मेरे साथ थैंकफुली ये लोकल दोस्त थे, तो इन्होंने कई देर इनके साथ बहसबाजी करी और इनको बना लिया कैमरा के लिए, कुछ पैसे देने पड़े पर मान गए फाइनली। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, मेरे साथ में एक बहुत स्पेशल दोस्त है मेरा, ये देखिए जू की एंट्रेंस पे ही ये बैठे थे, और ये देखो चीता, अभी इससे मिलेंगे हम। इधर एक शेर है,
This guy is huge. एक शेर अंदर है पिंजरे के, एक शेर पिंजरे के बाहर खड़ा है, और एक अंदर बिल्ली है। I'm saying that there's one lion inside and one is outside the cage. He's walking as if he owns this zoo, like. Chubba. Hello, Chubba. Chubba. Dude, that's not dog, man. Nope. और भाई मूत के बुआ भाई, मूत के बुआ रे मारे भाई, वो तो ओ स्पेस से देर पे ना मूत दिए सारे को नुवा दूंगा मूत मूत के। है शेरू, शेर ये है, और उधर एक और शेर आ गया, और इधर एक ये मादा है, नहीं ये भी शेर है। ओहो व्हाट, छुपता देखो क्या बोलते हो। उंगली पकड़ ली ना इसने, फिर वो उंगली इसी की है, फिर वो तेरी उंगली नहीं रहेगी। देख मैं छुपता हूँ वीडियो ना। शेर को पहली बार हाथ लगा रहा हूँ, हालांकि मैं खुद को बहुत बार हाथ लगाता हूँ। मेरे जैसे है रे तो। इनको ज्यादा देर इनको देखो तो ये दुखी हो गया, आके मुंह देखते हैं आपके ऊपर, तो बच के रहना पड़ता है। ताई वाले हालिए ना। Thank you. Calm down, young man. Calm down, bro. I have cut for you. You want cut? You want cut? Cut. You want cut or shawarma? Amazing. तो अभी तक की जो आपने वीडियो देखी वो वीडियो रिकॉर्ड की गई थी 30 दिसंबर 2020 को, जिस दिन मैं हरगिजा में जूम में गया था और आपके लिए वीडियो बनाई थी। अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं वो आज यानी कि 30 अप्रैल 2021 जिस टाइम ये वीडियो अपलोड हुई है उससे कुछ ही घंटे पहले की एक क्लिप है रात की, और हरगिजा में उस जूम में से एक ये शेर एस्केप कर चुका है और गलियों में घूम रहे खुलेआम। इस शेर ने काफी आतंक मचा रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं गलियों की गाय भेड़ बकरी और कुत्ते सब इधर उधर भाग रहे डर के मारे, और सिर्फ यही नहीं वो शेर अभी तक दो महिलाओं पे अटैक भी कर चुका है। लेकिन कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति थी इस जू में शेरों की
वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भी अच्छा हुआ कि वो उस जगह से निकल गया। आप लोग क्या मानते हो कि ठीक है जिस हिसाब से शेरों को वहाँ रखा जा रहा है, या फिर उन्हें जंगल में उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देना चाहिए, ये आप कमेंट में जरूर बताना। तो जू से जस्ट अभी फ्री हो गए, ज्यादा बड़ा नहीं था, ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, पर हाँ जो थे वो काफी अच्छे थे। शेर वेर को मैंने हाथ भी लगाया, चीता को भी हाथ लगाया, और यहाँ पे छोटी सी ईटरी थी, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, और उधर से आप कुछ खाने पीने का ले सकते हो। पर हम अभी दूसरी साइड जाने लग रहे हैं जहाँ पे थोड़ा अच्छा अरेंजमेंट है बैठने का, उधर बैठेंगे, थोड़ा कुछ कॉफी वॉफी पियेंगे और कुछ ऑर्डर करके खा पी के निकलेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैंने थोड़ी शॉर्ट ही रखी है, पर स्टिल आई होप यू लाइक डेट। और ये सामने बैठने की जगह दिखाता हूँ आपको, मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि ये कीनिया या तंजानिया नहीं है, ये सोमाली लैंड है। ऐसे ऐसे कमरे हैं। यो यो सुड ब्रदर वेलकम, थैंक यू ब्रदर, ऐसे ऐसे इधर ये कमरे से बना रखे हैं जिसके अंदर आप हुक्का पी सकते हो और शायद खात भी खा सकते हो। कमरे में कोई लड़की बैठी थी, सिगरेट पी रही थी, मैंने गलती से पर्दा हटा दिया, फॉरेनर थी शायद कोई। और ये एक कमरा सा है जिसमें अब हम अंदर जाने लग रहे हैं, और इधर अंदर बैठ के। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? शाफी। शाफी, नाइस टू मीट यू। कैन वी कम? She's scared of the flash, I guess. तो जू से हम बाहर निकल गए थे, और जू में ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी, बहुत ज्यादा कुछ था भी नहीं, पर जितना था वो काफी अच्छा था और बहुत ज्यादा मजे आए। अभी हम बाहर निकल के वापस मेरे होटल की तरफ जा रहे हैं, जस्ट अभी रोड पे चढ़े हैं, तो 3-4 किलोमीटर ही लेकिन 10-15 मिनट का रास्ता है, क्योंकि रोड ज्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पे, और किसी भी साइड से ट्रैफिक आ जाता है, गड्ढे वड्ढे काफ़ी है, वही अपने इंडिया की तरह रूल्स वगैरह कोई लेना देना नहीं है। They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy.